निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम सुबह तक पहुँच जाएंगे। यार मारते हो मेरी क्रीम और बटर। क्या आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? हैं? तो गाइज हम लोग अभी निकल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं। ये देखिए नए व्लॉग में, और आज का व्लॉग थोड़ा सा खास इसलिए, वैसे तो टाइम लेट चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है हमारा रात के मतलब सुबह के 2:11 में व्लॉग चालू हो रहा है, और हम हैं अभी एक कार में और जा रहे हैं कहीं को, कहाँ को भी पता चलेगा थोड़ी देर में। और हमारे साथ हैं अपना नाम ही बोलिए ये आज रात को 2:15 ब्लॉग चालू करने का एक अलग वो है, जिसका मतलब 4-5 दिन से जो चीज़ हुई है बहुत ख़तरनाक, इससे मुझे ये पता चला है कि मतलब जो वाला शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था गवारा गाना है, मतलब क्यों बनाया गया भाई साहब। अगर आपकी शादी हुई तो आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं हुई है अगर तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, जब होगी तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा भाई साहब जो छकाया है भैया, 4-5 मतलब जैसे लद्दाख उद्दाख राइड पे जाते हैं तो अलग अलग मौसम, अलग अलग पहाड़ियाँ दिखती हैं, ऐसी अलग अलग रंग, अलग अलग रूप भाई साहब। कुछ कह नहीं पाओगे ना, मुझे पता है। हाँ तो शुरुआत तो उसकी 2 दिन पहले हुई, कल परसों तो बोलना चालू हुआ। जब तक मुझे अच्छे से पूरा रुला नहीं देते ना, तब तक ये नींद नहीं लगती, नहीं आते हैं। ज्यादा हंसना भी क्यों हुआ? मतलब और अभी एक प्लान तो उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं है, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, सुबह पहुँचेंगे 7-8 बजे, 9-10-11-12 वहाँ रहेंगे, और 12 बजे तुरंत वहाँ से हम वापस आएंगे। ये प्लान है जो मैंने अभी तुम्हें आगे का बताया नहीं, और ये भैया हमें 12 बजे उठा के यहाँ पे अब तक छोड़ देंगे। क्या कहती है इस प्लान के बारे में? साड़ी पहनना ना, तो जब तक तो वो होगा, मतलब 3-4 घंटे लगेंगे। तुमने बोला तो इनने मेरे से क्या बोला था जब मैंने बोला हम नहीं जाएंगे, इनने मेरे से बोला कि भले ही 1 घंटे के लिए चल लो, भले ही 2 घंटे के लिए चल लो। तो भैया तो मैंने सोचा ठीक है, वैसे प्लान नहीं बन सकता, 1-2 घंटे वाला प्लान बन सकता है। तो अभी मैं ऑफिस से आया 1 बजे 1:30 बजे, और 2 बजे हम यहाँ से निकल गए, सुबह पहुँचेंगे, यही तो मजा है फिर यार। देखा दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है, मुझे लेके गए, क्या बात बोली, क्या बोला आप मुझे लेके जा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। तो क्या करोगे? जितना रुलाया ना मैं जानती हूँ। क्या करोगी? वापस आ जाओगी ना? हाँ तो आना ही पड़ेगा, और क्या करूँगी, कोई दूसरा ऑप्शन तो है। देखा कितनी अच्छी बीवी है, मतलब मैंने एक बार कहा ऐसा आपको लग रहा होगा, मैंने एक बार कहा और मान लिया, ये मैं 10 बार कह चुका हूँ। नहीं इन्होंने मुझे अभी अभी बोला, इन्होंने तो मुझे ये भी नहीं मालूम जा रही, इन्होंने मुझे यहाँ तक कि 3 बजे जब ऑफिस गई तब भी इन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि हम जाएंगे। मैंने इनसे कितनी बार, मैंने इनसे 2-3 बार बोले इग्नोर करके, और इनसे कहते हैं ये मैंने कहा, मैंने कहाँ कहाँ से एक गाड़ी का बुक किया, इन्होंने बाइक से आएंगे, मैं कहा बाइक से कैसे जाएंगे, फिर जाके ऑफिस से आएंगे, फिर सुबह 4 बजे वैसे इतने सोते हैं। मैंने ये बोल रखा था, मैंने कहा मैं आऊँगा तुरंत रात को, और 1 बजे से फटाफट तैयार रहेंगे और बाइक से निकलेंगे और सुबह पहुँचेंगे। बाद में मैंने इनको मैसेज कर दिया तो कह रहे
आ जाओगी अभी तक के साथ। अरे हाँ यार, अभी मेरी बात तो ये है कि अभी तक तो मैंने बताया अपना जो भी मतलब हुआ, मेरे साथ डिटेल में नहीं बताया मैंने, वो जो जो याद आता रहेगा वो बताता रहूँगा। लेकिन आप इनके जुबानी भी सुन लेते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि 36 का आंकड़ा चल ही रहा था। जाने के लिए जान ले लिया, जाने का प्लान तो पूरी बात पहले ऐसा कुछ खास था नहीं, सिर्फ घर घर के लोग थे। फिर उसके बाद सबको बुलाया उलाया सब कुछ किया, फिर तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी उनकी बेटी, तो मुझे बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं जाऊंगी। मैंने थोड़ा बोला मैंने इनको, पहले मैं खुद ही मना करी थी, मैंने कहा राखी पे तो जाना भी है, 3-4 दिन अभी वेडनेसडे को दोबारा जाना ही है। और यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि भैया जाना ही है तो बाद में चले आना। और हाँ, अभी मैं संडे को जाऊंगी तापुरा अल्मोड़ा, मैं वहाँ की मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगी वो भी अकेले। ठीक है, देख ले अगर मैं कर पाई तो। इतनी हिम्मत नहीं, मैं अभी फ्री हूँ। हाँ मैं ट्राई जरूर करूँगी, और मैं राखी का भी ब्लॉग करूँगी। और मैं भैया 100 रुपये का ब्लॉग थकेले टाइप के बन सकते हैं लेकिन पास से हैवी व्लॉग है। अब इनके बिना ब्लॉग नहीं होगी, इनके बिना बहुत दिन होता है। और मैं इतने सारे ब्लॉग बनाऊंगी। तारा भाई जोगिंदर हमारा देखा तुमने, तारा भाई जोगिंदर आज इतने व्लॉग बनाएगा, इतने व्लॉग बनाएगा, इतने व्लॉग बनाएगा। सारी बीवी, सारी बीवी प्रसिद्ध इतने व्लॉग बनाएगी, इतने व्लॉग बनाएगी ना किसी ने नहीं बनाया होगा। सोची ना होगी, सोची भैया ये बीच में आप कहाँ पे रुकोगे? जैसे हैं मोगा पे अपना ही है यार, मोगा है? नाम चलता है वहाँ मेरा, कहाँ मोगा पे। अरे तुम्हारा नाम मोगा है क्या? नहीं, आज से नाम ही मोगा रख देता हूँ तुम्हारा। नाम एक बार देना मेरा नाम। जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाने रे, कैसा तेरा प्यार है मेरे बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे, जब रिश्तेदारों ने पैसे मुझे दिए थे बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। अब आएगा प्लान, ये अब तो तुम्हें पता चल गया ना पूरा प्लान। अब देखो प्लान चल चुका है पूरा पता, तो एक बार देख लेते हैं कि अभी भी क्या क्या पता चला, क्योंकि अब इधर उधर तो मेरे को लगता नहीं सही से याद क्या है प्लान। ठीक है, और हमारा बीच में अभी गाने रुकेंगे हम मोगा में, देखेंगे हल्का फुल्का जो भी वहाँ अच्छा होगा वहाँ कुछ स्पेशल होगा तो। अच्छा हाँ, तुम्हारे वहाँ तो तुम्हारा तो मोगा में नाम चलता है ना, तुम बताओ वहाँ का क्या स्पेशल कुछ है? पनीर पकौड़ा खाओ, खाता इतना लाजवाब मिलता है वहाँ। चलो ठीक है, बाकी टाइम कितना हो गया? 2:25 बज चुका है, और अभी हम जब मोगा में पहुँचते हैं तो फिर आपको वहाँ का थोड़ा दिखाते हैं। ये पहुंच चुके हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे, तो बाकी यहाँ देखो भी टाइम हो चुका है 2:54, और यहाँ पे देखो आराम किया जा रहा है, नींद आ चुकी है। हेलो देखा, और उठाना है सीधा मोगा पे पहुंचने के बाद, इससे पहले पहुंच गए हम मोगा। और एक यहाँ पे ये मोगा है हमारे, हेलो मोगा, मस्त नींद निकाली जा रही। हेलो हेलो आइए मोगा, हेलो मोगा उठो मोगा, चलो है? नहीं, चलो
ये देखो अब मोगा पहुंच गया, आँख भी खोलनी है। चलो पहुंच चुके हैं हम मोगा में, और ये है मोगा जहाँ पे जान पहचान है। हमारे पास एक ऐसे भी है जिनकी बहुत जान पहचान है वहाँ, और इनके पोस्टर लगे रहते हैं। ऐसा बोला जरूरी है कि पोस्टर या नहीं, क्या बोलना है? मैंने ये नहीं कहा था पोस्टर लगे, मैंने नाम लेते। चलो भी चलो, तुम खुद ही अपना नाम लग रहा है, कौन तुम्हारा नाम जान है। यह है यहाँ का मेन्यू, ऑर्डर हमारा जा चुका है। अपना है वेज चाउमीन, और इधर है पनीर ग्रिल सैंडविच। ओ आ चुका है हमारा ग्रिल सैंडविच, दो ये अपनी ये आ चुका है हमारा चाउमीन। थैंक यू। मैं देखो कितना हेल्दी खाना खा रही हूँ, और ये देखो हेल्दी, तो मैं उसमें से भी खाऊंगा। तो मैं भी तो उसमें से खाऊंगा। चलो पहले तो अपने चालू करो, हम अपने चालू करते हैं। वाह यार, देखने में क्या लाजवाब लग रही है। एक तो इसका जो बाउल है थे वो ने ऐसा दे रखा है, शानदार। सफाई का काम चालू हो चुका है, इनको बर्तन मांजने की इतनी आदत हो गई है तो क्या बताऊँ, मतलब कहीं भी कभी भी। ये देखो अपना तो अपना करती हैं, दूसरों का भी थाली साफ कर देती हैं। ऐसी आदत हो चुकी है बर्तन मांजने की, जब तक मजा आ रहा है। चलिए अब मैं आपको एक नया एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ चाउमीन और ग्रिल सैंडविच का। ये देखिए शेफ अपना दिखाइए एक्सपेरिमेंट जिसका आविष्कार किया मैंने। यह सैंडविच ग्रिल सैंडविच है, इसको हम ऐसे दो भागों में खोल लेंगे। मेरे को भी नहीं आता नहीं, इसमें इसमें हम पहले डालेंगे हरी चटनी, हरी चटनी ले ली और ऐसे करके हरी चटनी लगाई। उसके बाद हमने अपने यहाँ से जो चाउमीन है इस चाउमीन को इसके बीच में लगाया, और ऐसा लगाया जैसे चाउमीन यहाँ से लटक रही हो, अरे वो यहाँ से लटक रही हो, यहाँ से लटक रही हो, ताकि दिखने में अच्छा सा लगे और खाने में तो भी मज़ा आएगा। ये देखो ये आ चुकी है हमारी, फिर इसमें एक बार जाएगी हरी चटनी, उसके बाद थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार डलेगा सॉस। और ये इसको कर दिया जाएगा पैक। उसके बाद ये देखिए अरे क्या लजीज, देखिए उसको पास से दिखाऊंगा क्या लजीज वो है, और उसके बाद इसको खाया जाएगा। ये चीज़ देख के मुझे आज एक चीज़ याद आई, बचपन में क्या, जब तक मैं 12th में थी तब तक की बात है, जो चीज़ मैं नहीं खाती थी ना सब्जी, मम्मी उसके पराठे बना के स्कूल भेजती थी। आपको पता करेले के पराठे भी मम्मी स्कूल भेजती थी बना के, और आज अभी मैंने इनको बोला ग्रिल सैंडविच अच्छा नहीं, और अब मैं नहीं खाई तो उन्होंने ऐसा करके मुझे खिलाई गया, ग्रिल सैंडविच ख़त्म हो गया। अभी तक खाने को तैयार नहीं थी, अब खाने में मज़ा आने लग गया। ऐसी मम्मी भी करती थी जब मैं स्कूल में थी, जो सब्जी नहीं खाऊंगी उसके पराठे बना देंगे। भी खत्म हो गई, और वो तो हमारा हो गया है खाना वगैरह, अब हम निकलते हैं। ये देखिए हालत देखिए, जो ज़बरदस्ती खाता है ना उसके बाद ऐसी हालत होती है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? मज़ा आ गया खा के यार।
उस तरह से यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। अब वैसे कोई है नहीं खाली, हम लोग हैं काफ़ी देर से, लेकिन फिर भी एक आदमी कंटिन्यू क्लीनिंगनेस में लगा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। और उधर बाहर वाले उसमें भी फ्लोर में भी एक आदमी है, तो सफाई वगैरह एक नंबर है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो अब हम आपको दिल्ली जाके मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए, आइए सर, सर प्लीज़ कम, सर आइए प्लीज़ सर, सर 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 मैडम मैडम पहले आप चले अब हम। चलिए भैया, तो हो गया फाइनली मोह का स्टॉप खत्म, और हम यहाँ से निकल रहे दिल्ली, और आपको मिलेंगे सीधा दिल्ली जाके। तो यहाँ पे नींद हो चुकी है पूरी, और उठ के बैठ जाया गया है। गुड मॉर्निंग, सुबह से गुड मॉर्निंग, जब से चले तब से गुड मॉर्निंग ही चल रही। क्या अलग ही मेरा गुड मॉर्निंग अब हुआ है, अब मतलब उठ गई हूँ मैं। फिर आगे का क्या प्लान है? अब बाकी का प्लान अब पता चलेगा सबको, अब हम जल्दी से पहुंचने वाले हैं। हमारा क्या प्लान है? हमारा कोई प्लान नहीं है फिलहाल, जाके थप्पा नहीं करने वाले? थप्पा करेगा, थप्पा नहीं थप्पा। और हमने ऐसे मास्क पहन के जाएंगे, अगर हमें अपार्टमेंट के नीचे कोई दिख गया तो हम ऐसे चुपचाप निकल लेंगे, मतलब उन देख के भी इग्नोर मार देंगे उन्हें। वहाँ पहुँच के हम भी थप्पा देने वाले हैं, अभी किसी को पता है नहीं। और उनका उन लोगों का सुबह से दो तीन बार फोन आ गया है, हमने उठाया ही नहीं, मेरे नंबर पे था। बताओ, कल तक खुद विश्वास नहीं होता, आज दूसरे को धोखा देने का काम चल रहा है। कल तक अपने आप ही टपक रहे थे। ये देखा, कुदरत आदि वक्त के हिसाब से बदल जाता है, इसका ताजा एग्जाम्पल है ये भी। बाकी हम यहाँ तो दिल्ली पहुँच ही गए हैं, ससुराल जा रहे ससुराल, जितनी बार ये गए उतनी बार मैं भी गई हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा खुशी इधर है तो ऑब्वियसली बात होगी। तो कभी ऐसा होता है खुशी नहीं होती, मतलब रोने वाले टाइम के अलावा? ठीक है फिर हम आगे का आपको अगले व्लॉग में चालू करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं। ये व्लॉग क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जा रहा है, और सफर अच्छा रहा वैसे। बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे ब्लॉग को ऐसे देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे अभी देख दिया है, और 700 प्लस की फैमिली करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 700 पार कर चुके हैं हम, धीरे धीरे बढ़ रहा है मार्केट में, मार्केट में अब तो नाम आएगा धीरे धीरे। ठीक है, बाय बाय।